कहां चूक गई बीजेपी, योगी के गढ़ में सपा कांग्रेस ने कैसे लगाई सेंध, आखिर इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में कैसे मिली जबरदस्त सफलता। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल, नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर, राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी, हर सियासी राव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं और कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके के प्रदर्शन का अनुमान इस वक्त एनडीए से लगाया जा रहा था ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एनडीए 290 के सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अपने पुराने परफॉर्मेंस को दुरुस्त करते हुए 235 सीटों पर जीत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और ये वाकई में सभी को चौंकाता नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को लेकर है। सवाल बड़ा ये है कि आखिर इन राज्यों में भाजपा कहाँ चूक गई, और सबसे ज़्यादा सवाल तो उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा जो 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वो 30 से 32 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। मोदी शाह इस पर चिंतन मंथन तो जरूर करेंगे, लेकिन आगे 2027 तक योगी की राह में इस चुनाव को लेकर कितने रोड़े आएंगे इस पर सवाल बना हुआ है। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर सपा और कांग्रेस गठबंधन को कैसे भाजपा पर बढ़त मिली। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मायावती इस चुनाव में पूरी तरीके से कमजोर हुई और मायावती का जो वोट था वो सपा और कांग्रेस गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। इसके अलावा फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह, जिन्होंने संविधान बदलने की बात कह दी थी, वह लोगों तक पहुँचा। खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये चीज़ हिंट किया और उसका रिएक्शन भी हमें इस चुनाव में देखने को मिला। और यही कारण है कि अयोध्या जिस सीट में आती है यानी कि फैजाबाद सीट, वहाँ भी भाजपा हार रही है। इसके अलावा ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त तरीके से एक कॉरपोरेशन के साथ मेहनत की और उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फॉर्मूला को लेकर चलना शुरू किया था उस पर वो अड़े रहे और साथ ही साथ सभी वर्गों को साधने की कोशिश की और उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। कभी कभी अल्पसंख्यक की जगह कहीं ना कहीं वो अगड़ों का भी इस्तेमाल कर देते हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार ने पूरी ताकत लगा दी, जिसका असर आसपास की सीटों पर पड़ा और उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर पड़ा। जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती थी वो आज 7 से 8 सीटों पर आगे चल रही है या जीतने जा रही है। अब बात हम पश्चिम बंगाल की करते हैं। जो एग्जिट पोल भाजपा को राज्य में 20 से 25 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब फिलहाल 11 और 12 पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2019 में भाजपा का जो पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर प्रदर्शन रहा था वो इस बार गिर चुका है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को भाजपा ने मुद्दा बनाया, वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस सीट पर संदेश खाली आता है वहाँ भी भाजपा चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में स्थानीय मुद्दे काफ़ी हद तक हावी रहे। ममता बनर्जी के लिए वहाँ एक इमोशन है और ख़ास करके महिला वोटों में, और वह इस बार भी ममता बनर्जी के ही साथ रहा। 2021 के चुनाव में भी जब विधानसभा में ममता बनर्जी लड़ी थी उस वक्त भी भाजपा जो 200 पार का नारा दे रही थी 70 और 77 के आसपास सीटों पर सिमट गई थी। हरियाणा में किसान आंदोलन भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ और हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं हाल में ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत हासिल की थी उसके बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, लेकिन इस चुनाव में राजस्थान में भी पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा है और ये बताता है कि
कि जो भजनलाल सरकार है वो उन उम्मीदों पर अब तक खड़ी नहीं उतर पाई है जिसको लेकर राजस्थान की जनता ने अभी हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। राजस्थान में अग्निवीर का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अशोक गहलोत सरकार से भी पेपर लीक को लेकर ही लोगों की नाराज़गी थी और वही भजनलाल सरकार से भी लेकर नाराज़गी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में अब पता चल गया कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे गुट को जबरदस्त सफलता मिली है और शिंदे गुट कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह गया। महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी वह पसंद नहीं आई लोगों को और लोगों ने इंडिया ब्लॉक का खुलकर समर्थन किया है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा शिंदे गुट और अजीत पवार का गठबंधन जो है वो जमीनों पर उतना मजबूत नहीं दिखा जितना उसे होना चाहिए था। सरकार में रहने के बावजूद भी लोगों को ये गठबंधन साधने में कामयाब नहीं हो सका। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।